अस्सलामुअलैकुम गाइस, ऑनलाइन माल आज आपके लिए लेकर आया है दो वॉचेस का कंपैरिजन, जिसमें X8 Pro स्मार्ट वॉच है जो कि सीरीज 8 में आती है, और दूसरी HW7 Max स्मार्ट वॉच है जो कि सीरीज 7 में आती है। और ये वॉच जो है काफ़ी फेमस चली है सीरीज 7 में। और दोनों कंपनीज़ की अगर बात की जाए जिस वॉचेस में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, ये भी वेयरफिट प्रो कंपनी की आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको इस जगह पर लोगो देखने को मिलेगा वेयरफिट प्रो, और इस वॉच में भी आपको वेयरफिट प्रो देखने को मिलेगा। ये देखें बैक साइड पे, ये भी वेयरफिट प्रो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों सेम है। सबसे पहला मॉडल जो लॉन्च हुआ था HW7 Max हुआ था वेयरफिट प्रो कंपनी की जानिब से फुल डिस्प्ले में। अब उसके बाद आपको पता ही होगा कि टाइम जैसा गुजरता गया न्यू मॉडल्स आते गए, इसी तरीके से सीरीज 7 के बाद अब सीरीज 8 का दौर आ चुका है। क्योंकि आपको पता है ये एप्पल के क्लोन के ऊपर चल रही होती हैं ज़्यादातर। HW7 Max की शेप भी आपको एप्पल के क्लोन, मतलब एप्पल की जो वॉच है उसके जैसी देखने को मिलती है, और X8 Pro जो कि सीरीज 8 का मॉडल है वो भी सेम एज इट इज़ वही उसी के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। तो गाइज़ अब आपने मूव होना है तो आप लेटेस्ट स्मार्ट वॉच की तरफ मूव होना चाहेंगे, लाजमी सी बात है। तो हम दो वॉचेस का कंपैरिजन लेकर आएँ कि यार ये X8 Pro में और HW7 Max में ऐसा फ़र्क क्या किया गया है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें बॉक्स में फुल स्क्रीन और 1.99 इंच देखने को मिलेगा डिस्प्ले। और इस वॉच की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.02 इंच फुल स्क्रीन HD डिस्प्ले। डैट्स मीन कि ये वॉच जो है एक तो HD डिस्प्ले है, दूसरा 2.02 इंचेस इसके साइज़ में, सही है। तो यहाँ से तो ये पहले ही अगर बात करी जाए तो ये आगे इससे ना HW7 Max के मुकाबले में। बाकी NFC इस वॉच में भी ये अगर बात करी जाए अली पे, NFC, गूगल वॉइस असिस्टेंट, हेल्थ पोजिशनिंग और शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर, ये आपको इस वॉच में मिलेगी। अच्छा, हेल्थ पोजिशनिंग अभी इन्होंने कोई नया ऑप्शन दिया है वेयरफिट प्रो कंपनी ने, तो वो सीरीज 8 में ही ऑप्शन आ रहा है, वो सीरीज 7 में नहीं मिलता। तो आपको इस वॉच में नहीं मिलेगा हेल्थ पोजिशनिंग के हवाले से। आपको इसमें भी NFC, हार्ट रेट मॉनिटर, 128 MB रैम, वायरलेस चार्जिंग, ये पढ़ने को मिलता है। चिपसेट की बात करी जाए तो इसका चिपसेट अपडेटेड है X8 Pro का, और बैटरी टाइमिंग में अगर बात की जाए तो बैटरी टाइमिंग में स्ट्रॉन्ग जो है X8 Pro है और HW7 Max के मुकाबले में। अच्छा, MAH के हवाले से कुछ कंफर्मेशन जो हैं, जैसे कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है HW7 Max में, इसमें 280 mAh बैटरी लगी है, और इसमें 340 या 360 के मतलब करीब तरीन ऐसी बैटरी लगाई हुई है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मतलब 300 समथिंग की इसमें बैटरी मिलती है आपको, और इसमें आपको मिलेगी कुछ अपना 280 या 240 की। तो गाइज अगर आपको अच्छी वॉच लेना चाह रहे हैं और मूव होना चाह रहे हैं, नहीं अगर अभी तक आपने कोई वॉच बाय नहीं करी है, तो अब आप HW7 Max के बजाय अब आप सीरीज 8 की तरफ मूव होंगे उनके क्लोन्स की तरफ। दोनों एक ही कंपनी बना रही है तो लाजमी सी बात है कोई ऐसा फ़र्क नहीं मिलेगा आप। अच्छा, अब इस वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग की रिव्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। पीछे आपको मिलेगा स्पेस एल्यूमिनियम केस, 45 mm, ये सारी चीज़ें पढ़ने को। एक चीज़ अच्छे से समझ लो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ कि आप लोगों की वॉचेस उड़ जाती हैं। आपको कंप्लेन आती है कि यार मेरी वॉच का डिस्प्ले ही नहीं आ रहा, अंदर से सिर्फ लाइट आ रही है। उसकी मेन वजह ये होती है कि आप जो है 2 एम्पीयर से ऊपर का अडॉप्टर यूज़ करते हो वॉच चार्ज करने के लिए। जिसने भी यूज़ करना है, कोई भी वॉच आप चार्ज कर रहे हो, 2 एम्पीयर से कम का अडॉप्टर चार्ज मतलब यूज़ करें आप चार्जिंग के लिए। और HW7 Max की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपने अनबॉक्सिंग इसी पहले ही देखी होगी। तो चलें जल्दी से इसकी पैकिंग खोलते हैं और देखते हैं। और अगर मैं इसका बॉक्स ओपन करूं तो आपको सिंपल इसके ऊपर कोई बॉक्स मतलब स्लाइड करके कोई कवर नहीं चढ़ा होता, और ये आपको इसमें ऐसे डिवाइस रखी हुई मिल जाएगी X8 Pro की या इसकी मैनुअल। और इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे स्लाइड करके तो इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और वेयरफिट पढ़ने को मिलेगा। जैसे ही बॉक्स ओपन करेंगे आप तो आपको यहाँ पर अपनी डिवाइस रखी हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पर मैनुअल। अब बात करी जाए दोनों की पैकेजिंग तकरीबन सेम ही है आप देख सकते हैं, लेकिन आपको साइज़ का वाज़े तौर पर फ़र्क दिख रहा होगा। मैं दिखाता चलूं कि HW7 Max का साइज़ छोटा है और X8 Pro का यहाँ पे रखे में ही पता चल रहा होगा कि बड़ा है। अब उसकी मेन वजह है वो भी बताते चलते हैं। सबसे पहले मैं दोनों वॉचेस में आपको ये मैनुअल मिलेगी, सही है, ये मैनुअल वेयरफिट प्रो की कनेक्टिविटी के हवाले से। ये आपको इसमें मिलेगी HW7 Max के हवाले से, और ये आपको मिलेगी X8 Pro के हवाले से मैनुअल। ठीक है, दोनों वॉचेस का ये क्लेम करा जा रहा है कि दोनों वॉचेस 45 mm में, तो अभी हमने देखना है कि यार 45 mm में कौन सी ये आया कि वाइल्ड। अच्छा, अब दोनों वॉचेस जो हैं ये देख लें आप, ग्रे कलर के स्ट्रैप के साथ आपको देखने को मिलेंगी,
और दोनों के स्ट्रैप्स कुछ सेम है, बल्कि अगर बात करी जाए तो ये वाले स्ट्रैप की क्वालिटी थोड़ी सी स्मूथ और मज़ेदार है, और ये वाला थोड़ा सा ठीक है लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब आप देख रहे होंगे इन्होंने टाइट फिट रहे वॉच के अंदर, स्लाइड जो है तो इन्होंने थोड़ा सा इसको भारा है, यहाँ पर ब्लैक कलर के जो वो हुए हैं ये टाइट हो जाते हैं, टाइट करके बैठ जाते हैं वॉच के अंदर, और इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती IW7 Max Series 7 के स्ट्रैप में। ठीक है, अब दोनों को साइड में रखते हैं। दोनों वॉचेस जो हैं वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ये IW7 Max का चार्जर है और ये X8 Pro Series 8 का। अब बात करी जाए स्लिम कौन सा चार्जर है, तो स्लिम चार्जर आपको इसका मिलने वाला है X8 Pro के साथ, और IW7 Max के साथ आपको कुछ इस तरीके से चार्जर। चार्जर की क्वालिटी दोनों की अच्छी होती है। अगर वायर की बात की जाए तो तकरीबन दोनों के वायर की जो लेंथ है वो सेम ही है। अब बात करते हैं मेन डिवाइस की। तो गाइज़ ये देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में जो ये साथ में राइट हैंड में ये वाली जो है ये IW7 Max है, इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये वाली वॉच है X8 Pro। अच्छा, ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ये IW7 Max है इसका एक्चुअल साइज़ 45mm नहीं है, कंपनी ने लिखा हुआ तो है लेकिन है नहीं। हालांकि दोनों को 45mm ही कहा है कंपनी ने, लेकिन जो एग्जैक्टली 45mm है वो ये वाली वॉच है X8 Pro, और ये वाली जो है ये 43.5mm है तकरीबन। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने दोनों वॉचेस में स्ट्रैप इंस्टॉल कर लिए हैं। दोनों वॉचेस में स्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद आपको लुक जो है दोनों का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखें। अच्छा, स्क्रीन साइज़ में वाजे तौर पर आपको फ़र्क दिख रहा होगा, जो कि अगर इसकी बात की जाए ये X8 Pro है, और ये वाली की बात की जाए ये IW7 Max है। दोनों सिल्वर कलर हैं, दोनों स्टेनलेस स्टील में है, सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं। दोनों में साइड में क्राउन और नीचे सेकेंडरी बटन मिलेगा। दोनों बैक पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड हैं, ये देखें, और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ का देखने को मिलेगा, फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी में। तो चलो गाइज़ इस वॉच इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ ये 43.5mm पे होती है, और ये एग्जैक्टली 45mm पे ये वॉच जो X8 Pro है। तो अब वॉच को ऑन करते हैं, वॉच नीचे वाले बटन से ऑन होगी। तो जैसे इसमें ऑन करा हेलो बाय वेयरफिट प्रो लिखा हुआ आया, और इसमें सीधा से ऑन हो गया। अब गाइज़ मैं दोनों की ब्राइटनेस टोन जो है ना वो एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिख सके। तो गाइज़ जैसे ही आप ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर दोनों का कंट्रोल पैनल आपको एक कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ इसकी ब्राइटनेस और यहाँ इसकी ब्राइटनेस, दोनों की ब्राइटनेस 100% है, लेकिन ब्राइटनेस में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है अपना IW7 Max है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी आप देखें हल्की आ रही है, और इसकी शार्प है ये वाले मॉडल की, ये देखें आपको क्लियरली दिखेगा क्लियरली तौर पर कुछ इस तरीके से। अच्छा, बात करी जाए दोनों के फंक्शंस के हवाले से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम वॉच फेसेस काउंट करते हैं कि किस कौन सी वॉच में कितने हैं। तो ये IW7 Max में काउंट करते हैं 1, IW7 Max में टोटल 7 वॉच फेसेस मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और टोटल आपको इसमें 7 मिलेंगे। अच्छा, ये वॉच फेस देखें आपको दोनों में सेम ही मिल रहा है, IW7 Max में भी और X8 Pro Series 8 में भी। अच्छा, अब बात की जाए इसमें कितने मिलते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें भी आपको टोटल 7 वॉच फेस मिल रहे हैं, और एक इसमें ये कस्टमाइज वॉच फेस ऐड हुआ हुआ है। तो गाइज़ अब मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ स्क्रीन साइज़ के हवाले से, आपको वाजे तौर पे देखने को मिल रहा होगा फ़र्क। दोनों फुल एच टू एच डिस्प्ले में वॉचेस, लेकिन बॉडी का साइज़ जो है इसका जो है 43.5mm है, और इसका एग्जैक्टली 45mm है, तो इस वजह से इसका डिस्प्ले आपको बड़ा देखने को मिलेगा। कंपनी ने बॉक्स पे इस पर भी यही क्लेम करा हुआ है IW7 Max में ही 45mm, लेकिन एग्जैक्टली 45 नहीं है ये, और ये एग्जैक्टली जो इसका साइज़ है फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी में ये 45 पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई फंक्शन में भी कोई फ़र्क है दोनों में कि नहीं है। तो ये इसका मेन्यू आ गया, ये इसका मेन्यू आ गया, तो दोनों के मेन्यू स्टाइल आप देख लें दोनों के सेम है, लेकिन कलर शार्प किसके आ रहे हैं, X8 Pro के शार्प हैं ये वाली वॉच के, और IW7 Max के इतने शार्प नहीं है। अच्छा, आप फिर अगेन वही ब्राइटनेस के हवाले से परेशान हो रहे होंगे कि यार ब्राइटनेस तो इसकी कम नहीं हुई भी, तो ये आप देख लें इसकी फुल है ब्राइटनेस 100%, और अगर मैं इसकी भी दिखाते चले जाऊँ तो ये देखें इसकी भी फुल है, क्योंकि ये सीरीज़ 8 में है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव करी है, और ये आपको इसके आइकन्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे दोनों के। आप जैसे इसको जूम करेंगे, ये देखें इसमें वॉच फेस क्लॉक आ गया, इसको जूम करेंगे इसमें ये वॉच फेस क्लॉक आ जाएगा। अगर कंट्रोल पैनल की बात करी जाए तो दोनों में सबसे पहला ऑप्शन जो है आपको सेम मिलने वाला है, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के हवाले से म्यूज़िक प्लेयर का ये ऑप्शन मिल रहा है।
दूसरा ये आपको मिलेगा कि भाई कि आपने जो भी ये एप्लीकेशन से अपडेट करेंगे और ये बताएगा आपने कितने स्टेप चले। तीसरा ये वाले पेमेंट मेथड दोनों में सेम है, यहाँ पर आप बिज़नेस कार्ड अपना क्यूआर कोड ऐड कर सकते हो, ये भी दोनों में सेम मिलता है। यहाँ पे अली पे ये भी दोनों का सेम है, अली पे इसमें ओपन हो रहा है अली पे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि अभी एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं है और ये बाइंड नाउ करने का बोल रहा है। तो आप इसका क्यूआर कोड स्कैन करके बाइंड कर सकते हैं इसमें। और अब इसकी बात करी जाए, यहाँ पर इधर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा था इस वॉच में एक इजाफी फीचर ऐड हुआ है जो कि ये स्पोर्ट्स के हवाले से, ये एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा स्कैन होने के बाद, ये पूरी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से इन्फॉर्म करेगा जो कि आपको HW7 Max में नहीं मिलता, Series 7 में। ये देखें, ये वीडियो रिमोट कंट्रोलर है और यहाँ पर भी ये वीडियो रिमोट कंट्रोलर है, लेकिन HW7 Max का जो वीडियो रिमोट कंट्रोलर है ये अपडेटेड नहीं है। इसमें आप ऊपर नीचे शॉर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ऊपर नीचे करने के बाद ये जो सेंटर का जो दिया हुआ है ये माउस ऑपरेट करने का है, मतलब आपके मोबाइल के अंदर माउस का जो एरो है ना वो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और इसमें शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर ये पुराना वाला है, ये नया अपडेटेड वर्जन आया है जो Series 8 में इन्होंने अपडेट करा है। आप हमारे X8 Pro की अनबॉक्सिंग चेक करेंगे तो इसके रिमोट कंट्रोलर के हवाले से हमने वीडियो में भी चेक करवाया हुआ है कि एरो किस तरीके से आता है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी यहाँ से यूँ स्लाइड करेंगे तो दोनों में आपको सेम ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये बैकअप जेस्चर का ऑप्शन है, दोनों में सेम है, सही है। ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, दोनों में सेम है। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, दोनों में सेम है। ये भी दोनों का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से यहाँ से ऑन होगा। ठीक है, और यहाँ दोनों में लॉक है, स्क्रीन लॉक प्रेस 3 सेकंड्स वाले, तो वो भी मैं आपको चेक कराते चलूँ। ये देखें 1, 2, 3 सेकंड्स तक इसको दबाए रखा, 1, 2, 3 सेकंड्स तक इसको हमने दबाए रखा सेकेंडरी बटन को, तो अनलॉक हो गया। अब बात करी जाए मज़ीद इसके हवाले से, और इसमें आपको यहाँ पर एक मिलेगा बैटरी परसेंटेज के हवाले से कि बैटरी जो है भाई कंजप्शन अगर पावर सेविंग मोड पर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओके करेंगे, दोनों पावर सेविंग मोड पर लग जाएंगे कुछ इस तरीके से ऑन होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर ब्राइटनेस है, दोनों की ब्राइटनेस यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया अगर आप X8 Pro की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा तेज़ है क्योंकि वो सीरीज़ 8 का वर्जन है और सीरीज़ 7 में इसमें अपडेट नहीं हुई है, इतने कलर रेजोल्यूशन इसके इतने तेज़ नहीं है जितने इसके। अच्छा, आप बैक पर आते हैं, यहाँ पर NFC कार्ड है, यहाँ पर भी NFC कार्ड, दोनों का सेम ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अलार्म का शॉर्टकट दिया हुआ है, आप अलार्म भी वो कर सकते हैं। फाइंड डिवाइस का ये दोनों का ऑप्शन सेम है, तकरीबन काफ़ी सारे ऑप्शन सेम है एक दो ऑप्शंस के अलावा। अब आते हैं बैक पर, यहाँ नीचे से आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आप देखें मेन्यू आ गया इसमें HW7 Max में। यहाँ नीचे स्लाइड करेंगे तो इन्होंने अपडेट में मैसेज नोटिफिकेशंस लिख दिए हैं, वॉच अगर आपकी कनेक्ट होगी तो वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करी जाए, एक चीज़ ज़्यादा इन हुई हुई है आजकल, आप देख रहे होंगे लोग मतलब काफ़ी सेलर मिसगाइड कर रहे होते हैं लोगों को कि यार ये जो वॉच है ना ये स्मूथ है। स्मूथ का क्या कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, वो लोग बोलते हैं कि जो घड़ी की जो ये जो अपना सेकंड्स की निडल है ना, ये देखो कितनी तेज़ी से चल रही है, इसकी देखो कितनी तेज़ी से चल रही है, तो ये वॉच जो है बिल्कुल स्मूथ है, जिसकी टिक टिक करके चलती है ना वो स्मूथ नहीं है। अरे भैया, ये क्लॉकोलॉजी के स्टाइल्स होते हैं कि भाई आपने कौन सा रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसमें एक मिसाल देता चलूँ, इसमें यहाँ भी देख लो तेज़ चल रही है, लेकिन इसका जो एक वॉच फेस मैंने ऐड करा है इसमें ये कैसी चल रही है, टिक 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 करके, सही है। और इसमें कैसी चल रही है, तेज़ चल रही है। तो भाई इसमें भी अभी बीच पहले मैंने आपको दिखाया फास्ट चल रही थी जैसे इसमें चल रही है, लेकिन अभी यहाँ टिक टिक चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ये वॉच लैग करती है, हैंग करती है। भाई ये भी अपने जो इसकी सेकंड की निडल्स है ये भी 60 सेकंड्स जो है अपने 60 सेकंड्स में ही पूरी करेगी, और ये भी जो टिक टिक करके चल रही है ये भी अपने 60 सेकंड्स में ही पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि ये 70-80 सेकंड्स में जाकर ये अपना पूरा करेगी पूरा सर्किल, और ये वाली जो है 60 सेकंड में करेगी, तो ये बिल्कुल एक गलत मतलब लोगों को बताया जा रहा होता है। ये देखें, ये सारे स्टाइल होते हैं, ये देखें यहाँ पर फास्ट चल रही है ये निडल, अब यहाँ देखें यहाँ फास्ट चल रही है यही निडल आगे जाकर आप कस्टम वॉच फेस ऐड करते हो तो इसी की एप्लीकेशन से, तो ये देखो टिक टिक वाला आ रहा है। और इसमें भी आपको अगर आप कस्टम वॉच फेस इस वॉच में भी ऐड करोगे HW7 Max में तो उसमें भी ये टिक टिक वाला आपको मिलेगा, सही है। अब बढ़ते हैं मेन मेन्यू की तरफ, आपको दोनों के इंटरफेस मैंने दिखाया कुछ इस तरीके से। इस वॉच में खास बात ये है, X8 Pro में आपको गेम्स मिलने वाले हैं, ये देखें इसमें आपको ये गेम्स मिलेंगे 3, इसमें कोई वॉच में गेम नहीं मिलने वाला आपको। 3 गेम मिलेंगे आपको इस वॉच में, एक तो कलर ब्लाइंड वाला है जो कि आपने कलर सेलेक्ट करने होते हैं ऐसे ही, ठीक है। एक स्नैक के हवाले से गेम मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से आप प्ले करके अपने हिसाब से खेलो।
ये देखो, तो अब ये स्नैक वाला, लेकिन ये IW7 Max में नहीं मिलेगा, इसमें 3 गेम्स आपको मिलेंगे इस वॉच में, और थर्ड डाइस वाला एक स्नैक है और कलर ब्लाइंड है, लेकिन आपको IW7 Max के अंदर नहीं मिलेंगे। अब दोनों के इंटरफेसेस, या पहले मैं स्मूथनेस भी दिखा दूं कि कौन सी, भाई कोई हैंग वैंग तो नहीं है, लैग तो नहीं है। यार ये देख लो, ये IW7 Max है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। इसी तरीके से ये देखो, कौन सी है ये X8 Pro है, बिल्कुल लैग फ्री है। अब ये देख लो आप, ये देख लो, ठीक है गाइस। तो दोनों वॉचेज एक ही कंपनी की हैं, बल्कि X8 Pro का फॉर्म फैक्टर जो है, फर्मवेयर है, वो अपडेटेड है IW7 Max के मुकाबले में। अब दोनों के वो देखते हैं यार कि डबल टैप करने पे मेन्यू स्टाइल कितने आते हैं। एक इसमें ये सेकंड चेंज हो गया, इसमें ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये कितना फास्ट है, ये देखो एक ही बारी में आपने वो नीचे करा तो बिल्कुल नीचे चला गया, ये देख रहे हैं आप। और ये वाला कितना फास्ट है, ये देखें, ये तो खैर इसके अंदर आइकन्स भी छोटे हैं, सेम फास्ट की यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिलेगी। कंपनी सेम है, डबल टैप, अगेन मेन्यू चेंज, ये वाला बिल्कुल न्यू मेन्यू है, ये वाला आपको मिलता रहता है, आप काफ़ी देख चुके होंगे दूसरे वॉच फेसेस में, आप दूसरे एप्लीकेशन मतलब वॉचेस में, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मेन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगेन डबल टैप करते हैं तो ये वाला मेन्यू आपको यहाँ पर देखें, ये शॉर्टलिस्ट वाला मेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, और यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। अगेन डबल टैप करते हैं तो दोनों में मेन्यू आ गए, मतलब दोनों के अलग स्टाइल हैं, कुछ 4-4 किस्म के दोनों में आपको मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर बात करी जाए मेन्यू के हवाले से, तो ये देखें आप, इसमें काफ़ी सारे आपको आइकन, स्पोर्ट्स के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। IW7 Max में आपको इतने आइकन्स नहीं मिलेंगे जितने आपको इस वॉच में देखने को मिल रहे हैं। ये वाला मैं आपको बोल रहा था नया अपडेट करा गया है, और इसमें आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये देखें, ठीक है गाइस। और मज़ीद बताते हैं इसके हवाले से, अब चेक करते हैं दोनों की सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले ऑप्शन आपको बैकअप जेस्चर का मिलेगा, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, भी साइड क्लॉक का ये मिलेगा, दोनों की सारी चीज़ें सेम है। ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितनी देर का होना चाहिए, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें भी 10 मिनट्स का है, 600 सेकेंड्स, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होते हैं, और ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन इसके का भी 10 मिनट्स का है, तो दोनों का सेम होगा, सही है। स्क्रीन ऑफ टाइम दोनों का 30 सेकेंड्स का है। चेंज डायल, देखें चेंज द डायल, यानी कि आप वॉच फेस जो चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग्स दोनों के अंदर यही है, एडजस्ट ब्राइटनेस दोनों में सेम है, यहाँ डिमिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ एडजस्ट ब्राइटनेस लिखा हुआ आ रहा है। डिस्प्ले की कलर्स क्वालिटी शार्पनेस HD डिस्प्ले, इसका HD कहा गया है, तो वाकई में HD है, मतलब बोलने का HD नहीं है। और कॉल सेटिंग्स में यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं, बाकी तकरीबन वॉचेस में दोनों में सेम ही ऑप्शन मिलते हैं। कुछ जो मैंने आपको दिखाए हैं कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, बाकी तकरीबन सेम है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी वॉच ढूंढना चाह रहे हैं जो अच्छी वर्किंग में हो, इसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है मोबाइल के साथ X8 Pro की, IW7 Max डिसकनेक्ट होती रहती है, कनेक्ट डिसकनेक्ट होती रहती है, लेकिन आपको इसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग मिलेगी क्योंकि लेटेस्ट फर्मवेयर पर अपडेट है। ये X8 Pro है, ये IW7 Max है, ठीक है गाइस। आप ये देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें, इसकी ब्लूटूथ कॉल वगैरह कोड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बैक पर आते हैं, दोनों वॉचेस में अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, देखें तकरीबन सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि एक ही वॉच है। और अगर देखें बैकअप जेस्चर की बात करी जाए तो दोनों का कुछ इस तरीके से बैकअप जेस्चर वर्क करेगा। तो गाइस दोनों वॉचेस अपनी जगह बेस्ट हैं, इसका डायल छोटा है, अगर जिनकी कलाई छोटी है और वो HD डिस्प्ले नहीं चाह रहे, या वो चाह रहे हैं कि उनकी कलाई के हिसाब से वॉच जो है उनके हाथ पे परफेक्ट रहे, कमज़ोर सी कलाई है, तो उनके लिए IW7 Max बेहतर है, क्योंकि उनके ऊपर ये बहुत बड़ी सी नहीं लगने वाली। और जो माशाल्लाह से अपनी जगह हेल्दी है और बिल्कुल परफेक्ट है, जिनको कोई कमज़ोरी नहीं है, तो वो ये वाली वॉच X8 Pro अपने मतलब पहनने के लिए यूज़ करें, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट आती है वेयर करने के बाद। और इसके अंदर आपको HD डिस्प्ले, इसके अलावा गेम्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको IW7 Max में नहीं मिलने वाले।
तो गाइज अगर बात करी जाए दोनों वॉचेस अपनी जगह बेस्ट हैं, और ये सीरीज 8 मैक्स 8 प्रो और ये HW7 मैक्स सीरीज 7 में। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन की तरफ मूव होना चाहते हैं, आप HD डिस्प्ले लेना चाहते हैं हाई क्वालिटी, मतलब जिसमें आपको कलर्स देखने को मिले और दूसरी चीज़ आपको गेम्स मिले 3 गेम्स और स्टेप्स के और फंक्शन एक्टिविटी स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी मिले या कनेक्टिविटी स्ट्रांग मिले, तो आप इसकी तरफ मूव हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलाई, ये वॉच भी अपनी जगह अच्छी है लेकिन अगर आपकी मतलब कलाई छोटी है तो आपके लिए ये HW7 मैक्स मतलब बेस्ट रहेगी, क्योंकि छोटी कलाई के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट आती है, और मतलब नॉर्मल कलाई के ऊपर ये चलेगी, कमज़ोर कलाई के ऊपर ये चलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि HW7 मैक्स में आपको गेम्स नहीं मिलने वाले, HD डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, ब्राइटनेस इसकी डिम है, दूसरी चीज़ बैटरी टाइमिंग इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बैटरी टाइमिंग इसकी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक दिन देती है तो ये 2 दिन देगी बैटरी टाइमिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर चिपसेट आगे का लगा हुआ है, नेक्स्ट वर्जन का लगा हुआ है क्योंकि सीरीज 8 का क्लोन आया है, और इसके अंदर पुराना चिपसेट लगा हुआ है जो सीरीज 7 का दूसरी वॉचेस में भी वेयरफिट प्रो कंपनी ने लगाया हुआ है। कस्टमाइज सीरीज 8 के सारे वॉच फेसेस अपडेट होंगे इस वॉच के अंदर आने वाले टाइम में, और भी मजीद सीरीज 8 के जो नए वॉच फेसेस उनके एप्लीकेशन में आएंगे वो आप इसमें से आपको मिल जाएंगे। आप इसकी एप्लीकेशन में सीरीज 8 के कोई भी लगा दोगे क्योंकि सीरीज 8 में आती है, ये सीरीज 7 में आती है तो इसमें आपको कुछ आने वाले टाइम में नए वॉच फेसेस अपडेट होना बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिन्होंने HW7 मैक्स की बुराई करना नहीं है मकसद, या फिर ये नहीं है कि भाई ये अच्छी है, दोनों अच्छी हैं अपनी जगह, लेकिन जो सीरीज 8 में अब आपको पता होगा क्योंकि सीरीज 7 का दौर जा चुका है, सीरीज 8 का इन हो चुका है, क्योंकि सीरीज 8 के जितने भी क्लोन थे अब आना शुरू हो चुके हैं। दोनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, जो भी कंप्लीट अनबॉक्सिंग देखना चाहता है हमारे YouTube चैनल पर जाकर चेक कर सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।